ओम शांति। राजयोग से हमें पहली समझ मिलती है कि मैं आत्मा अपने संकल्पों का, अपने इमोशंस का और अपने फीलिंग्स का रचयिता स्वयं हूं। यह अंतर्मुखता की शक्ति मुझ आत्मा को किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सिखाती है। जब मैं अपने तरफ देखता हूं तो अपने गुणों पर फोकस करता हूं, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन जाता है। इस विधि से हर परिस्थिति में सहन करने की शक्ति मुझ में निर्माण होती है। यह सहन शक्ति हर परिस्थिति पर विजय पाने का साधन है। तो चले इस शक्ति का आवाहन करते हैं। रिलैक्स्ड होकर बैठे, बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए अपने भ्रुकुटी में देखें। मैं चमकती हुई मणि, चैतन्य शक्ति, आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह का मालिक विदेही हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा शिव की संतान मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा, मुझ आत्मा पर सहन शक्ति की अनंत किरणें बरसा रहा है। परमात्मा का ज्ञान मुझे हर परिस्थिति में सहन करना सिखाता है, क्योंकि ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है। हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। अब मुझे समझ है कि हर आत्मा अपने संस्कारों के वश है। वो सिर्फ अपना पार्ट बजा रही है और इसीलिए वो अपने जगह पर सही है। यही परमात्मा का ज्ञान मुझे सहन करने में मदद करता है। मैं आत्मा एक मां की तरह हर आत्मा को देखती हूं।
जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ भी करे तो एक मां उसे हंसते हंसते सहन करती है। वैसे ही ड्रामा का ज्ञान, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान मुझे इन छोटी छोटी बातों में सहन करना आसान कराता है। अब सहन करना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हर परिस्थिति को मैं अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखता हूं। शिव के साथ कंबाइंड मैं आत्मा शक्ति हूं। सारे जगत का पिता शिव बाबा और उसके साथ मैं सारे विश्व की मां जगदम्बा हूं। मैं जगदम्बा सहन शक्ति की मूरत हूं जो हर परिस्थिति में एक मां की तरह सबको निस्वार्थ स्नेह देती है। मैं शक्तिशाली हूं, हर परिस्थिति को और हर व्यक्ति को मैं वो जो है जैसा है स्वीकार करती हूं। परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अब सहन शक्ति से भरपूर हूं। हर परिस्थिति में मैं अचल अडोल हूं। मैं सहन शक्ति की मूरत मां जगदम्बा हूं। ओम शांति।